हमारे संसार के प्राणियों में धर्म के प्रति आस्था और सत्य के प्रति निष्ठा को बनाए रखना होगा। इस संसार में अब से यही तुम्हारा मूल उद्देश्य होगा हनुमान। प्रभु श्री राम की अनन्य प्रजा को प्रभु वियोग के महान दुख से उबारना होगा। शांत हो जाइए श्री राम के भक्त। शांत हो जाइए अयोध्या वासियों, शांत हो जाइए। इस समस्त घटना चक्र का कारण मैं हूं। मेरी संकीर्ण मानसिकता और दूषित विचार के कारण ये सब हुआ। इसका दंड मुझे मिलना चाहिए था। मुझे माता सीता और प्रभु राम ने मुझे क्षमा कर दिया और वे स्वयं ये संसार छोड़कर चले गए। मैं शांत रहूं तो कैसे? माता सीता और प्रभु राम के विरह को सहन करूं तो कैसे? पर प्रभु श्री राम और माता सीता किसी को छोड़कर नहीं गए हैं बदला। वो तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते। यह तो हमारे हृदय की संकीर्णता है बदला, जो प्रभु श्री राम और माता सीता को अपने समीप ना पाकर व्यतीत हो जाते। किंतु प्रभु श्री राम और माता सीता की माया का मर कुछ दूसरा ही है। वह मात्र हमारे हृदय में ही नहीं अपितु संसार के सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। यदि हम उनके दर्शन करना चाहते तो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में वो दिखाई देंगे। संपूर्ण जगत सिया राम के मंगल रूप में अनादि काल से विहार कर रहा। और आगे भी अनादि काल तक विहार करता रहेगा। यदि अब भी आप सबको विश्वास नहीं है कि वह हमारे साथ है तो मैं आप सबको उनके दर्शन कराऊंगा। जहाँ भजई मन वहीं मिले श्री प्रभु रघुनायक भक्त हितैषी। प्रभु श्री राम बसई कण कण में दर्शन पाई हो क्षण प्रतिक्षण में। जय श्री राम। हृदय में राम और सिया विराजे दिव्य मनोहर रूप अति साजे। जय श्री राम जय जय वैदेही निरखे प्रजा
अति रूप सने जिनके हृदय प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का भाव निरंतर बना रहेगा, उनके हृदय में सदैव बसेंगे। सिया राम सिया राम सिया राम प्रभु रघुनायक भक्त हितैषी प्रभु श्री राम बसई कण कण में दर्शन पाई हूँ क्षण प्रतिक्षण साजे जय श्री राम जय जय वैदेही निरखे प्रजा अति रूप सनेही जिनके हृदय प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का भाव निरंतर बना रहेगा, उनके हृदय में सदैव बसेंगे सिया राम सिया राम सिया राम।